मथुरा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। ये मथुरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 68 पर ये बड़ा हादसा देखा गया है। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों में 3 महिलाओं के साथ 3 पुरुष और एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। बता दें कि कार में 9 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे के साथ साथ 7 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, और वहीं मृतक हरदोई जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। ये मथुरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कि यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसके बाद इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बता दें कि 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल बताया जा रहा है। हालांकि 9 लोग इस कार में सवार थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ मतलब 4:30 बजे सूचना मिली, एक व्यक्ति ने सूचना दी, गाड़ी वाले लोग, हम लोग 64 पे खड़े थे जी। पीछे एक्सीडेंट हो गया, हम लोग आए तो यहाँ देखा कुछ लोग मृत हो गए थे, एक बच्चा और एक व्यक्ति जिंदा थे। उन्हें CHC ले गए मौजूद जी, मैं एडमिट कराया, वहाँ से रेफर कर दिए मथुरा के लिए। ये मथुरा से नोएडा जाते समय जो बैगनार गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो लगभग 68 किलोमीटर नोएडा की तरफ है, उसमें 3 पुरुष और 3 महिला, 1 बच्चे का डेथ हो गया है, जो पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी वहाँ से भेजी जा चुकी है। 2 लोग घायल हैं, जिसमें एक पुरुष है करीब 22 साल एज जो है, एक बच्चा है जिसका 3 साल एज है, हेड इंजरी है, उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।